सर्दी के मौसम में सूर्योदय से पहले का यह नजारा है बीकानेर में। आज हम लोग हैं राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बीकानेर पर। अब सुबह 7:15 बज रहा है, फिर भी सूर्योदय यहाँ नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण यही है कि बीकानेर अवस्थित है हमारे देश की पश्चिमी सीमा के एकदम पास, और ऊपर से है यह सर्दी का मौसम। सूर्योदय का मजा उठाने ना जाने हम लोग कहां कहां जाते हैं। कभी जाते हैं पहाड़ों पर, कभी तो फिर रेगिस्तान पर, और कभी समुन्दर किनारे। पर किसी शहर के अंदर सूर्योदय देखने हम कभी नहीं जाते हैं। पर बीकानेर के लिए ये बात अलग है। यहाँ के सूरसागर लेक से सूर्योदय का जो नजारा मिलता है वो है लाजवाब। इसलिए आज हम लोग सूर्योदय के पहले ही पहुंच गए हैं बीकानेर के सूरसागर लेक के सामने। बीकानेर जूनागढ़ फोर्ट के बारे में हम सब लोग जानते हैं, और जूनागढ़ के मेन एंट्रेंस के सामने ही है सूरसागर लेक। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ बातें बीकानेर के बारे में कही जाएगी जो अनोखी है। सूर्य की पहली किरण गिरी है जूनागढ़ फोर्ट के दीवारों पर, और उसके चलते किले की दीवारें और भी सुनहरे हो चुके हैं। सूर्योदय का मजा उठाकर हम लोग अब जा रहे हैं बीकानेर के बाजार इलाके में। अब है नाश्ते की बारी, और बीकानेरी नाश्ते की तो कुछ बात ही अलग है, और उसी को डिस्कवर करने हम लोग जा रहे हैं चाय पट्टी यानी कि सट्टा बाजार की तरफ। बीकानेरी बाजार के गलियों से होते हुए हम लोग आ पहुंचे हैं चाय पट्टी या सट्टा बाजार पर। यह इलाका है 100 साल से भी पुराना, इसलिए यहाँ पर जितनी भी दुकानें दिखती है हर कोई दुकान है काफी पुरानी। पहले हम लोग आ चुके हैं नमकीनी नाश्तों के लिए सबसे पॉपुलर दुकान जुनिया महाराज की दुकान पर। इसमें क्या क्या डालते हो? ये मोट मोगर से बनता है ये मसाला। अच्छा, पहले मोगर को भिगोते हैं, उसको पीसते हैं, पीसने के बाद उसमें लाल मिर्च है, सबीट है, लौंग है, 6-7 प्रकार के अलग अलग मसाले डाले जाते हैं। हींग भी डालते हो क्या? हींग तो मैं किसी भी आइटम ऐसा नहीं है जिसमें हींग नहीं डालता। और ये कुछ ग्रेवी है क्या, ये चटनी है क्या? ये आलू की सब्जी है। सब्जी है, दुकान कितने बजे खुल जाती है आप लोग? दुकान तो 5:30 बजे खुल जाती है। 5:30 बजे प्रिपरेशन में 2 घंटे लगते हैं, आपको पता चल जाएगा। बढ़िया टेस्ट है इसका। दाल की जो मिठास होती है ना, नमकीन में सरका और मीठा दोनों एक साथ है। गांव के लोग हैं ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये बड़ा बाजार है और चाय पट्टी बोलते हैं इसके अंदर। ये एरिया है बड़ा बाजार के अंदर, ये चाय पट्टी पहले इसको सट्टा बाजार बोलते थे। यहाँ पे बारिश के सट्टे होते थे पहले, बारिश के सट्टे होते थे। कल बारिश होगी या नहीं होगी, अभी नहीं होता आएंगे या फिर तेज बारिश आएगी, सबके सट्टे होते थे। अब सट्टा सारा खत्म हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, चाय की दुकानें बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आपको 6-7 दुकानें मिल जाएगी चाय की छोटे से एरिया में, तो इसको चाय पट्टी बोलने लग गए। और इस चाय पट्टी को हो गए 60 साल। तो 60 साल चाय पट्टी हो गई। 60 साल चाय पट्टी से पहले ये लो पट्टी थी, पहले घी पट्टी थी,
उससे भी पहले लो पट्टी थी। अच्छा, तीसरा इसका जो वर्जन है वो जाय पट्टी है। ये कचौरी तलने में कितना टाइम लगता है? 35 मिनट। धीमी आंच में तलती है क्या? कचौड़ी का मतलब ही कच्चा तेल होता है, पकौड़ी का मतलब पके हुए तेल। पके हुए तेल। समोसे से तो समोसे जो तलते हैं ना वो भी तो मीडियम और ये स्लो। ये एकदम धीरे-धीरे ऊपर आती है, जैसे इसको छोड़ दिया ये अपने आप ऊपर आनी चाहिए। साइड में फूल के ऊपर आ जाएगी। जो मैं तेल तेज कर दोगे ना, हाँ, तो एकदम ऊपर से तो लाल हो जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। अब तली जा रही है मोट दाल की पकौड़ियां। मोट दाल राजस्थान में मिलने वाली एक खास दाल है और उसे पानी में भिगोकर, उसे पीसकर, उसमें कई सारे मसाले डालकर और हींग डालकर उसकी पकौड़ियां बनाई जाती है ऐसे, जिसका स्वाद काफी अनोखा है। और बीकानेर में मिलने वाली मोट दाल की पकौड़ियां है सबसे मशहूर। बीकानेरी नाश्तों का स्वाद अगर लेना है तो मोट दाल की पकौड़ियों का स्वाद आपको लेना ही चाहिए। आलू की सब्जी के साथ मोट दाल की पकौड़ी और कचौरी। And what about the fritters? The fritters were also very tasty and fresh. And they made it in front of our eyes, so it's really good. It's really fresh, it's really tasty. Overall, it's wonderful. Did you enjoy it? Yes. अब हम लोग आए हैं ब्रिज महाराज की दुकान पर। यह दुकान मशहूर है उन लोगों की जलेबी और घेवर के लिए। प्योर देसी घी में यहाँ पर जलेबियाँ तली जाती है और फिर उसे डुबाया जाता है चासी में। प्योर घी में तली हुई जलेबियों का स्वाद कितना सुंदर है वो जब तक आप यहाँ पर आके नहीं खाओगे तब तक पता नहीं चलेगा। Are you getting the smell of clarified butter? Yes, it's actually really fresh also, and really sweet, and crunchy. Yes. The best part is the crunch of the jalebi, that's really good.